मेरा नाम है सपना सीएम। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में एक छोटी सी स्किप करना चाहती हूँ। ये कारगिल युद्ध भूमि है। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा कैसे अपने कंपनियों के लोगों को अपने दुश्मनों के ठिकाने पर कैसे शारीरिक हमला करने के लिए प्रेरित किए और कैसे सबको अद्भुत शक्ति बने, आप सब इस छोटे से एक्ट में देखिएगा। यहाँ खड़ी हुई तो कैप्टन विक्रम बत्रा, यहाँ खड़ी हुई तो उनके सोल्जर्स। राम राम सर, राम राम सर। अब आपसे एक बात बोलूंगी, हम ये वॉर नहीं कर सकते। अगर हम मर गए तो घर पे हमारे बीवी बच्चे सब अधूरे रह जाएंगे। नहीं सर, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। चिल्ला के देशभक्ति की बातें नहीं करनी मुझे आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो इसीलिए यहाँ। जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया ना, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूँ कि आप सब उस डर को कब से निकाल कर बैठे हैं। आप सबको एक बात बोलूं, हमारी डेटा कंपनी ना बहुत सखी है, जो हमें 0.4875 से दुश्मनों को भगाने का टास्क हमें मिला हुआ है। क्योंकि जो उस चोटी पे एक बार बैठ गए ना, वो हमारा इंडियन टेरिटरी का 17 किलोमीटर के लिए अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वहां पर, तो दोस्तों हम लोग एक पाकिस्तानियों को वहां से मार डालेंगे और फिर से 0.4875 को हमारे कब्जे में लेंगे। और इसके मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 0.4875 को एक बार हमारे कब्जे में ले लिया ना, तो समझो एक आगे वॉर खत्म। हमारा डेटा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा। इसीलिए हमारा कंपनी का हर एक बंदा हर एक फौज अपनी जान लगा देकर लेकिन उन पाकिस्तानियों से हमारी जमीन लेकर ही रहेगा। अगर हमने एक बार इस वॉर को हमारे देश के लिए जिता देना, तो समझो अमर हो जाओगे। अगर जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो अब बोलो, क्या तुम अपने देश के लिए लड़कर अपने देश को गर्व करवाना चाहते हो, यहां यही से गर्व भागना चाहते हो? नहीं सर, हम घर भागना नहीं चाहते।